So beta, today we are starting alternating current lecture number 2. So in your previous classes we have discussed about alternating current. In today's class we will discuss comparison between AC and DC. What do you mean by AC? That is alternating current, and DC that is direct current. So if we are talking about direct current के अंदर क्या होता है sir? Direct current के अंदर electrons जो हैं आपके वो एक ही direction के अंदर क्या करते हैं, flow करते हैं. ऐसा क्यों होता है कोई बता सकता है मेरे को? Why electrons are flowing in only a single direction? Because there is no changing magnetic field. यहाँ पे आपकी magnetic field change नहीं होती है, जिसके कारण आपके इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन भी रिवर्स नहीं होती. इलेक्ट्रॉन एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर क्या करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं. जबकि बात करें अल्टरनेटिंग करंट के, तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या होती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोस इन बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. इसमें बात करें बेटा, मैग्नीट्यूड रिमेंस कांस्टेंट. जितनी हमने दिए उतनी, जितनी वोल्टेज दी उतना ही हमारे पास क्या आता है, करंट आता है. पर इसमें मैग्नीट्यूड क्या करता है, वेरी करता है. किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में. डायरेक्ट करंट जो है कैन बी स्टोर्ड इन बैटरीज. डायरेक्ट करंट को हम बैटरीज में स्टोर कर सकते हैं क्या? जी हाँ, डायरेक्ट करंट को हम बैटरीज के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. जबकि बात करें अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग को करंट को बैटरी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं कोई बता सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं? ड्यू टू वेरिएबल मैग्नीट्यूड. वेरिएबल मैग्नीट्यूड के कारण हम जो है अल्टरनेटिंग करंट को बैटरीज के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल क्या होगा डायरेक्ट करंट का? बैटरीज हो गया सर. अल्टरनेटिंग करंट का एग्जाम्पल क्या होगा? एसी जनरेटर्स हो गए, मेंस होगी, ये सारे के सारे किस पे वर्क करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर. स्टेबलाइजर हो गया, कल हमने पढ़ी है एसी के एप्लीकेशंस. डायरेक्ट करंट मतलब सिंगल डायरेक्शन और एक ही वैल्यू आएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू. और अल्टरनेटिंग का मतलब साइन फंक्शन. साइन फंक्शन, यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आएंगी. बताओ मेरे को कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? यहाँ पे तो आएगा एक IM और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ IM. दैट इज योर पीक वैल्यू, दैट इज योर वैली. इसको क्रस्ट कहते हैं, इसको वैली कहते हैं. मिनिमम वैल्यू, क्लियर है? नाउ सी हियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा जो है आपका बेसिक पार्ट है. यहां से जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट का बेस स्टार्ट होगा. आई होप सो आपने केवीएल और केसीएल सीखा हुआ है. अगर नहीं भी सीखा हुआ है तो मैं पहले एक बार उसको करा देता हूँ. केवीएल आपने जरूर से आना चाहिए. केवीएल आपको, one is KVL approach and the another one is KCL approach. So KVL approach हमें क्या कहती है कि sum of all voltages in a closed loop, sum of all voltages in a closed loop will be equal to zero. Clear? और V को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो formula होता है IR. अगर across resistor निकालना है तो, और across inductor और capacitor लगाना है, निकालना है तो कैसे निकालोगे voltage बताओ? KCL में क्या होगा? सम ऑफ ऑल करंट्स एट अ नोड विल बी इक्वल टू जीरो, या फिर सम ऑफ इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट अ नोड और अ जंक्शन. दैट इज नोन एज KCL. सो आई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, क्रॉस आर रेजिस्टर वी बाई आर. तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए तो निकाल लेंगे, कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए कैसे निकाल लेंगे?
आज तो मैं आपको सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट करा रहा हूँ, बट दैट इज योर होमवर्क। आप इसको अभी नोट कर लो अपनी नोटबुक्स के अंदर, क्या पता करके आना है सर। इन योर नेक्स्ट क्लास आपको पता करके आना है वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटर कैसे निकालेंगे और वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर कैसे निकालेंगे इन एप्लीकेशन ऑफ केवीएल। इसी तरीके से आपको करंट एक्रॉस कैपेसिटर एंड करंट एक्रॉस इंडक्टर ये कैसे निकालते हैं ये भी पता करके आना है। ये आप पढ़ चुके हो, आपको जस्ट रिवाइज करके आना है इन चीजों को। ये बहुत माइनर सी चीजें हैं, लेकिन जब आपको वहां पे कैपेसिटर दे दिया जाता है, जैसे अभी तो हम ये वाला सर्किट पढ़ेंगे कि रजिस्टर लगा रखा है और यहाँ पे वोल्टेज लगा रखी है और ये बन गया सर्किट, क्लियर। लेकिन कुछ दिन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कैपेसिटर आ जाएगा। जब वो कैपेसिटर आएगा तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा कि वोल्टेज तो यहाँ से निकली तो प्लस आ रही है, तो यहाँ पे प्लस वी, इस आर के अक्रॉस कितनी हो जाएगी आई आर, क्योंकि हमने पढ़ रखा है आर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होती है आई आर होती है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, दैट विल बी अ क्वेश्चन। सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी निकालनी आनी चाहिए, कैसे निकालेंगे, क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन आपको कल पता करके आने, क्लियर है। तो दैट इज योर होमवर्क, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इंडक्टर, करंट अक्रॉस कैपेसिटर एंड करंट अक्रॉस इंडक्टर, दैट विल हेल्प इन कैपेसिटिव सर्किट एंड एज वेल एज इन इंडक्टिव सर्किट। नाउ वी आर डिस्कसिंग रेजिस्टिव एसी सर्किट। हियर वी हैव अ टर्म एसी सर्किट, व्हाट डज इट मीन, एसी सर्किट का मतलब क्या है, हाउ वी से दैट दिस सर्किट इज एसी, एनीबडी कैन टेल दिस। देखो यहाँ पे वेव फंक्शन, वेव फंक्शन क्या होता है, अच्छा देखो ध्यान से, आपका यहाँ पे क्या लगा रखा है, एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, क्या लगा रखा है, वोल्टेज सोर्स। अब ये वोल्टेज सोर्स दो तरीके का हो सकता है, कैसे, इसको याद कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज सोर्स दो तरीके से होता है, एक तो होता है वोल्टेज सोर्स जिसके अंदर एरो लगी होती है, क्या लगी होती है, एरो, और एक होता है वोल्टेज सोर्स जिसके अंदर एक कर्व बना होता है इस टाइप का। तो ये जो डायरेक्ट एरो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, और इसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, बिकॉज ये कौन सा कर्व है, साइन कर्व, तो साइन में तो कौन होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज किसके इक्वल होगी, V विल बी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, एंड दैट इज कमिंग अक्रॉस आर रेजिस्टर। तो अब मुझे आप ये बताओ कि इसके अंदर केवीएल लगाएं या केसीएल लगाएं, केवीएल लगाएंगे तो सम ऑफ वोल्टेजेस विल बी इक्वल टू जीरो, तो ऑल वोल्टेजेस बताओ यहाँ पे कौन कौन सी है, नहीं पता आपको, एक तो आर के अक्रॉस आएगी वोल्टेज, आर के अक्रॉस कितनी आएगी आई आर, और एक आपकी वी है, वी वोल्टेज सोर्स की, तो वी प्लस आई आर विल बी इक्वल टू जीरो, ऐसा आएगा क्या, अभी माइनस आई आर आएगा, मतलब केवीएल पार्ट आपका ठीक नहीं कर रखा आपने। वन मोर होमवर्क, होमवर्क रहेगा आपका, यहीं पे नोट कर रहा हूं मैं, फाइव क्वेश्चंस ऑन ईच केवीएल एंड केसीएल, पांच क्वेश्चंस आपको केवीएल और केसीएल दोनों पे करके आने हैं, दैट इज योर सेकंड होमवर्क, एंड दैट मस्ट बी कंप्लीट इन योर नेक्स्ट क्लास। नाउ
इन रेजिस्टिव एसी सर्किट देयर विल बी ओनली रेजिस्टर, आपके एसी सर्किट रेजिस्टिव एसी सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लगे होंगे, रेजिस्टर्स लगे होंगे एंड नो अदर सर्किट एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट, और किसी भी टाइप का कोई भी और सर्किट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। और सर्किट एलिमेंट कैसे कह सकते हैं, कैपेसिटर इंडक्टर ये सब डिवाइस के सर्किट के अंदर नहीं होंगे, सिर्फ कौन होगा रजिस्टर और एक क्या होगा वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स कौन सी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, एसी वोल्टेज। कंसीडर द सर्किट एज शोन इन फिगर बिलो, इस सर्किट को अगर हम कंसीडर करें तो इनपुट एसी वोल्टेज वी किसके इक्वल है, वीएम साइन ओमेगा टी। वीएम क्या है आपकी मैक्सिमम वोल्टेज, वीएम क्या है मैक्सिमम वोल्टेज, वेयर वीएम इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इट इज आल्सो नोन एज वोल्टेज एम्पलीट्यूड। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं बेटा, वोल्टेज एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, नाउ सी हियर, लेट द ईएमएफ ऑफ द वोल्टेज सोर्स वी, आपका जो ईएमएफ है वोल्टेज सोर्स का उसे हम क्या ले रहे हैं वी ले रहे हैं, देन बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ, हमने क्या लगाया किरचॉफ्स लूप लॉ लगाया। अच्छा किरचॉफ्स लूप लॉ को क्या कहते हैं, केवीएल, तो केसीएल को क्या कहते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। क्लियर है, टू द सर्किट टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट विल बी वी इज इक्वल टू आईआर, तो टोटल सर्किट टोटल कितना आएगा, वी इज इक्वल टू आईआर आएगा। देखो ध्यान से इसको कैसे करेंगे, तो हम अब की बार यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं, तो एक तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है V और R के अक्रॉस, किसके अक्रॉस R के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, और वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, R रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आती है, V विल बी इक्वल टू IR, और ये वोल्टेज क्या हो जाएगी ड्रॉप हो जाएगी, तो ड्रॉप होने के लिए हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, माइनस IR, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, दैट मींस V आपका किसके इक्वल आ रहा है IR, तो V इज इक्वल टू IR। समझ आया नहीं आया, ये V क्या है आपका वोल्टेज है जो हमने यहाँ से प्रोवाइड करी है, वेयर I इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, I क्या है वो करंट जो सर्किट के अंदर क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है। यूजिंग इक्वेशन Vm sin ओमेगा t इज इक्वल टू IR, अच्छा V तो किसके इक्वल था, Vm sin ओमेगा t के इक्वल था, V किसके इक्वल था Vm sin ओमेगा t, तो क्या हम V की जगह Vm sin ओमेगा t पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो हमने Vm sin ओमेगा t पुट किया साथ में क्या किसके इक्वल आ गया IR। अब मान लो कि R को इधर लेके आते हैं, R को इस साइड ले आए, तो I किसके इक्वल है Vm अपॉन R sin ओमेगा t, अब Vm क्या था मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रेजिस्टेंस क्या देगा मैक्सिमम करंट देगा, तो I will be equal to Im, I will be equal to Im, Im is equal to Vm by me R, so I will be equal to Vm by R की जगह हमने क्या लिख दिया Im लिख दिया, ये दिख रहा है ना आपको Vm by R will be equal to Im, तो Vm by R की जगह हम क्या लिख सकते हैं Im लिख सकते हैं, और साथ में क्या था sin omega t, that will be equal to our value of current, is it clear or not? आर बेटा ये रहा ना आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन में आर, इसी को हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम करंट, तो वीएम अपॉन आर की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया आईएम सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है, और साथ में क्या था साइन ओमेगा टी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट ड्राइविंग इन टू द सर्किट। दो चीजें आ रही है, एक तो है मैक्सिमम करंट और एक है करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो कितना कर रहा है, तो इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है आप बताओ मेरे को, आई एम साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज कितनी आ रही है वी एम साइन ओमेगा टी, और आर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है आई आर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं आई एम साइन ओमेगा टी इनटू में आर। समझ में आया नहीं है, तो दैट विल बी अ डिफरेंट वोल्टेज, इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम सिर्फ इन दोनों के ऊपर जस्टिफाई करें, दैट इज आई एम साइन ओमेगा टी एंड वी एम साइन ओमेगा टी। आई एम इज इक्वल टू करंट एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू ऑफ करंट, आई एम क्या होगा वी एम क्या था पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और उसे एक और नाम से जाना जाता है क्या वोल्टेज एम्पलीट्यूड, तो आई एम क्या होगा करंट एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू ऑफ करंट, इज इट क्लियर और नॉट। तो
बोलो डाउट बोलो। वो ड्रॉप हो जाता है। ये जो ड्रॉप हुआ था ये वोल्टेज कितनी होगी, यही डाउट है ना। दैट मीन्स ये कितना? मेरे को पता है, ये डाउट आएगा, इसको कराते नहीं यहाँ पे, पर मैं करा देता हूँ। वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है, आई आर आ रहा है, तो आई हमारा किसके इक्वल आ रहा है, आई एम साइन ओमेगा टी के इक्वल आ रहा है, एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद आर, तो आई एम इंटू आर साइन ओमेगा टी, दैट इज योर वोल्टेज विच इज ड्रॉप ओवर अ रेजिस्टेंस आर। समझ गए? अगर 2R रेजिस्टेंस लगा रखा है तो कितना आएगा, 2R ऑफ आई एम साइन ओमेगा टी, दैट मीन सिंपली यहाँ पे R के साथ क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है आई 2R। क्लियर है? तो ये वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी, और ये वाली जो वोल्टेज है ये किसके इक्वल है, वी एम साइन ओमेगा टी के इक्वल है। दैट मीन्स हमने कोई वोल्टेज दी, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और वो रिड्यूस हो गई जब हमने रजिस्टर लगाया। रिड्यूस कितने से हो गई, आई आर से, और आई आर कितना आया, आई एम आर साइन ओमेगा टी। समझ आया? दैट आर डिफरेंट वोल्टेजेस, ये हमने दी है सोर्स के थ्रू, और ये क्या हुई है, ड्रॉप हुई है किसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस ड्रॉप हुई है, ये करंट के अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस। क्लियर? कंक्लूजन क्या निकला, इफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ सर्किट, अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहे हैं किसको, सर्किट को, विच हैज ओनली अ रेजिस्टर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है, रेजिस्टर, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो जो करंट फ्लो करेगा इसके अंदर से, सर्किट के अंदर से, वो भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग करंट। कैसे आया अल्टरनेटिंग करंट, हमने वोल्टेज कैसी दी थी, अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग का मतलब वी किसके इक्वल होगा, वी एम साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा। इससे हमने क्या निकाला, करंट, करंट कैसा आया, आई एम साइन ओमेगा टी, तो करंट भी कौन से फंक्शन में आ रहा है, साइन फंक्शन में, और साइन फंक्शन का आ रहा है तो मतलब ये कौन सा होगा, अल्टरनेटिंग होगा, और अल्टरनेटिंग होगा मतलब हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज दी तो क्या प्रोड्यूस हो गया, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो गया। दैट विल बी अवर कंक्लूजन इन अ रेजिस्टिव एसी सर्किट। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ यू सी हियर, अच्छा ये दे रखा है यहाँ पे, दिस मीन्स द करंट फ्लोइंग थ्रू अदर सर्किट इज ऑल्सो अ साइनसोइडल फॉर्म, दैट इज वी किसके इक्वल है, वी एम साइन ओमेगा टी, जो हमने प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से करंट कितना आया बेटा, आई एम साइन ओमेगा टी। वी एम किस किसके इक्वल है, वी एम का मतलब क्या होता है, वी एम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आई एम का मतलब क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्या इसका कोई और नाम होता है वी एम का, क्या, और करंट का, करंट एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ यू सी हियर, वी हैव अ ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, हियर वी हैव एन एक्स्ट्रा अप्रोच ऑफ पावर Which we will discuss in our next part, next slide. The, here we have only observing voltage and current. So you see here, यहाँ पे आपके पास ये जो red graph आ रहा है, ये red graph किसका है, current का, किसका है बेटा, current का। तो इस graph के across इस point के ऊपर हमारे पास क्या आएगी, value आएगी, किसकी value आएगी, I एम की, क्योंकि ये ग्राफ किसका है बेटा, करंट का है, आया या नहीं आया। अब ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये बताओ मेरे को किसका है, वोल्टेज का, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका ग्राफ है वोल्टेज का, तो इसकी जो पीक वैल्यू होगी यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, वी एम की आएगी। अच्छा इसका मतलब एक आपको समझ में आ रहा है, वाई एक्सिस में ऊपर जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है घटती है, बढ़ती है ना, तो वी एम जो है वो बड़ा आ रहा है, वी एम जो है वो क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है किससे, आई एम से। दैट मीन्स हम जितनी वोल्टेज देंगे करंट हमेशा उससे क्या करेगा, कम फ्लो करेगा। समझ आया क्या, ये बता सकते हो इसको कैसा क्यों हो रहा है, कोई भी बच्चा, नहीं साइन फंक्शन का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई भी बच्चा मतलब मेरे को ये बता सकता हो कि वी एम जो है वो बड़ा क्यों आ रहा है आई एम से, वोल्टेज प्रोड्यूस होती है तो करंट आता है इसीलिए ये कम आ रहा है, ऐसा क्यों, सेम वोल्टेज जितनी दिया उतना भी तो आ सकता है। अरे गधों, इसमें आपको ये नहीं पता क्या कि हमने क्या है, वोल्टेज लगा रखी है और सर्किट कैसा है, रेजिस्टिव, तो ऑब्वियस सी बात है जितनी वोल्टेज देंगे रेजिस्टर उसको क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा,
तो रेजिस्टर की वजह से करंट क्या आ रहा है, कम आ रहा है। और कैसे आ रहा है, आप इसको ओम्स लॉ से भी ड्राइव कर सकते हो। ओम्स लॉ क्या कहता है, वी किसके इक्वल होता है, आईआर के इक्वल होता है या नहीं होता। तो इसको वीएम आईएम में पुट करके देखते हैं, वीएम किसके इक्वल होगा, आईएम इनटू आर के इक्वल होगा। तो आईएम किसके इक्वल होगा, वीएम अपॉन आर के इक्वल होगा। मान लो आपके वीएम की वैल्यू 10 है, कितनी है 10, और 2 ओम का रेजिस्टर लगा रखा है, 10 किसकी वैल्यू है वीएम की, और आर क्या है हमारा 2 ओम का रेजिस्टर है, तो आईएम की वैल्यू कितनी आएगी, 5। अब ये 5 जो है ये 10 से कम है या ज्यादा है, कम है ना। तो एक ही केस ऐसा बनता है जिसके अंदर आईएम वीएम के इक्वल हो सकता है। एक केस ऐसा बनता है जब वीएम किसके इक्वल हो जाए, आईएम के। ऐसा कब होगा, जब रजिस्टर कितने कितने ओम का लगा रखा हो, 1 ओम का। क्लियर है, अगर रजिस्टर सिर्फ 1 ओम का है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, वो सेम वैल्यू आ जाएगी, आईएम विल बी इक्वल टू वीएम। क्लियर है, यह है समझ में। तो देखो यहाँ पे द गिवन ग्राफ इज शोइंग दैट इन अ प्योर रजिस्टर। अच्छा ये से देखो यहाँ पे समझ आ गया ना आपको कि इसकी वैल्यू हमेशा इससे कम रहेगी और यहाँ पे भी सेम रहेगा। ये जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो पहले किसकी आएगी, आई एम की, और फिर उसके बाद मिनिमम वैल्यू किसकी आएगी बेटा, वी एम की। तो ये जो ग्राफ होगा इनके बीच में क्या होगा, एक फेज क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, फेज। और ये फेज कौन सा है, ये मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, फेज है, किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। क्लियर, ग्राफ कौन सा है, ये किसका ग्राफ है मेरे को बताओ, कौन से फंक्शन का ग्राफ है, साइन फंक्शन का ग्राफ है, जिसके अंदर ओमेगा टी क्या है आपका, फेज है। तो ये यहाँ पे ओमेगा टी लिख रखा है, क्लियर है, यहाँ पे ओमेगा टी आएंगे और कितने कितने आ रहे हैं, जीरो पे जीरो देगा, पाई पे जीरो देगा, 2π पे जीरो देगा, और ये आपने पढ़ा हुआ है साइन एन पाई विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है, साइन 1π 2π 3π 4π दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ये बात आपको याद रखनी है। सो नाउ सी हियर द गिवन ग्राफ इज शोइंग दैट इन अ प्योर रजिस्टर, ये प्योर रजिस्टर के अंदर द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। वोल्टेज और करंट किसके अंदर होते हैं, फेज के अंदर होते हैं। द मिनिमा जीरो एंड मैक्सिमा अगर एट द सेम रिस्पेक्टिव टाइम्स, मिनिमा वैल्यू होगी चाहे जीरो होगी चाहे मैक्सिमा होगी, ये सारे के सारे सेम रिस्पेक्टिव टाइम के ऊपर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम वोल्टेज भी आ रही है या नहीं आ रही, और मैक्सिमम करंट भी आ रहा है, लेकिन दोनों के दोनों किस पे आ रहे हैं, सेम टाइम के ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो वी हैव अ सेम मैक्सिमम वैल्यू एट सेम टाइम, सेम मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं कह सकते, सॉरी, वी हैव अ मैक्सिमम वैल्यूज एट सेम टाइम, वी हैव मिनिमम वैल्यूज एट सेम टाइम, we have zeros value at same time, is it clear or not, but we have some phase difference between voltage and current. Now from the graph it is clear that although both voltage and current are sinusoidal function, graph se ye to clear ho gaya ki jo aapke voltage aur current hain dono ke dono kaun se function hote hain, sinusoidal function, sinusoidal matlab sine function, बट द पीक वैल्यू ऑफ करंट इज लेस देन पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, लेकिन करंट की जो पीक वैल्यू होगी वो कम होगी किससे, वोल्टेज से। एज आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर, क्यों होगी ऐसी, क्योंकि आई एम किसके इक्वल है, वी एम बाई आर के इक्वल है, मतलब आई एम हमेशा वी एम से क्या होगा, छोटा होगा। वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, वोल्टेज और करंट किस में है, फेज में, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, विच मीन्स बोथ ऑफ देम रीच देयर मैक्सिमम वैल्यू, कि मतलब दोनों एक दूसरे की मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचे तो गए, और फिर किस पे आएंगे, जीरो पे, और फिर किस पे जाएंगे, मिनिमम पे, लेकिन टाइम क्या रहेगा, सेम। अभी अभी पढ़ के आए, देख के भी आए, क्लियर है। नाउ एवरेज करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, अच्छा मेरे को बताओ कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट कितना होगा। यहाँ पे एक साइकिल बन रही है या नहीं बन रही, तो जितना करंट ऊपर आ रहा है उतना ही करंट कहाँ रहा है, नीचे आ रहा है, तो एवरेज करंट कितना हो जाएगा, जीरो। समझ आया नहीं आया, एवरेज वोल्टेज कितनी होगी, क्यों होगी, जितनी वोल्टेज ऊपर उतनी वोल्टेज नीचे। V किसके इक्वल है, Vm sin ओमेगा टी, जहां पे V क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। I किसके इक्वल है, Im sin ओमेगा टी, I क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। आया, नाउ वी विल स्टडी पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टर, कि सर ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस कोई पावर भी आ रही है क्या, तो कोई मेरे को पावर का फॉर्मूला बता सकता है। V क्रॉस I, बिल्कुल सही। इसमें आप देखो
पावर का मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, पावर का आइडिया क्या है, वी क्रॉस आई, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज वी, वी को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई में क्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो आई को हम लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं क्यू बाई टी, ठीक है, चार्ज पासिंग इन पर यूनिट टाइम, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसल, तो पावर विल बी इक्वल टू वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्मूला ऑफ पावर, इज इट क्लियर ऑन ऑल, ठीक है, तो ये होती है आपकी इंस्टेंटेनियस पावर, क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर, अगर एवरेज पावर निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट, क्लियर है, वो इंटीग्रेट वाला फॉर्मूला बताऊंगा अभी मैं, तो देखो यहाँ पे द एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज नॉट इक्वल टू जीरो, एवरेज पावर जीरो नहीं होगी, ये भी लिख दो कि जीरो ही होगी, ऊपर भी जीरो, ऊपर पावर आएगी नीचे आएगी और जीरो होगी, द पावर डिसिपिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो पावर डिसिपिएट हो रही है वो किसकी फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में, कि रजिस्टर है, रजिस्टर क्या करेगा, करंट को जाने तो देगा नहीं, उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किसकी फॉर्म में कर देगा, हीट की फॉर्म में, बाय यूजिंग जूल हीटिंग व्हिच इज गिवन एज, जूल हीटिंग लॉ हमें क्या कहता है कि हीट किसके इक्वल होती है, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होती है, दिस शो जूल हीटिंग डिपेंड्स ऑन आई स्क्वायर के, एक तो आई स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और आई स्क्वायर हमेशा आपका क्या होगा, क्यों होगा पॉजिटिव, स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दिस शोज देयर विल बी एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द प्योर रेजिस्टिव सर्किट, कि मतलब कुछ ना कुछ एवरेज पावर कंज्यूम होगी किससे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट से, दैट पावर विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, वी कैन ऑल्सो री राइट आई स्क्वायर आर एज वी क्रॉस आई, एंड ऑल्सो वी हैव अ फॉर्मूला डब्ल्यू बाय में टी, डेरिवेशन की बात करी जाए तो यूजिंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट की कौन सी वैल्यू का यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताओ मेरे को कौन सी है, वी किसके इक्वल आया था, वी एम साइन ओमेगा टी, और आई किसके इक्वल आया था, आई एम साइन ओमेगा टी, अच्छा हमारा जो डेरिवेशन है वो एनसीईआरटी के अंदर किसकी फॉर्म में दिया हुआ है बेटा, ई की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, क्लियर है, ई नोट आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और आई नोट किसके, आई किसके इक्वल आएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नोट विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर है, सो दैट इज द साइन कन्वेंशन व्हिच आई हैव ड्राइवन इन ड्राइव्ड इन योर बुक्स, सो आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंजेस, वी विल एक्वायर, वी को हम क्या लिख लेंगे, ई लिख लेंगे, तो ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, एंड आई विल बी इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, P will be equals to V cross I. अभी अभी पता है क्या ये आपको P V cross I कैसे है? ठीक है. तो V क्या है हमारा? V M sin omega T, I क्या है? M sin omega T multiply करेंगे तो क्या आएगा? V M I M sin square. Sin 2. Sin 2 आएगा या sin square आएगा? Sin square आएगा. तो यहाँ पे square लिख देते हैं. ठीक है? क्या आएगा? Sin square omega T. नाउ एवरेज पावर, एवरेज पावर के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ई किसके इक्वल आएगी, ई नोट साइन ओमेगा टी, आई विल बी इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, पी इज इक्वल टू वी क्रॉस आई, अब ये देखो इसमें डिफरेंस बता रखा है, डिफरेंस के लिए दोनों स्लाइड्स थी, सो वी कैन इरेज इट, हमने पढ़ा किस तरीके से है कि v is equals to vm sin omega t, im sin omega t, लेकिन बुक्स में किस तरीके से ड्राइव किया गया है, e is equals to e not sin omega t and i is equals to i not sin omega t, we will multiply it e not and i not, and here we have e not i not sin square omega t, that will be your square quantity, clear, so that is the derivation, we will see it carefully. Average power for a complete cycle can be obtained by integrating equation. Average power के लिए मैंने पहले ही बताया था आपको क्या करेंगे? Integrate करेंगे. Integrate करेंगे कहाँ से? ये बच्चों के doubt होता है. तो integrate करते हैं over a period t. कहाँ पे करते हैं over a period t? और किसको integrate करते हैं? Small powers को. Instantaneous powers आ गई आपके पास. मान लो एक point है उसके ऊपर instantaneous power आ गई p1, फिर आ गई p2, फिर आ गई p3. सारों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? एवरेज पावर, और ये कौन से टाइम में आ रही है? टी टाइम में, क्लियर है, तो इंटीग्रेटिंग द स्मॉल पावर एलिमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टी, दैट इज नोन एज एवरेज पावर, इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं.
तो इंस्टेंटेनियस तो हमने निकाल लिया, अभी अभी निकाल के आए हैं, ए नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी निकाल लिया है, नहीं निकाल ली, अभी अभी निकाल ली है। और डी टी, डी टी रह गया, जीरो से टी कर रही है और नीचे क्या आ रहा है आपके पास, टी आ रहा है। अब ये टी तो बाहर आ जाएगा, और ए नॉट आई नॉट आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट ए नॉट एंड आई नॉट आर कॉन्स्टेंट वैल्यूज, क्यों है ये कॉन्स्टेंट? कोई बता सकता है? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू दो आती है क्या? दो मैक्सिमम वैल्यू आती है, एक ही आती है ना, एंड दैट विल बी अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। सो देयर फॉर ए नॉट एंड आई नॉट आर कॉन्स्टेंट्स एंड दे विल गेट आउट फ्रॉम द इंटीग्रेटिंग पार्ट, एंड वी हैव अ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पता है किसी को साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन? डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला बताओ। टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता क्या होता है? वन माइनस कोस टू थीटा, टू थीटा क्या होगा? टू ओमेगा टी होगा। सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके इक्वल आएगा? वन माइनस कोस टू ओमेगा टी, और नीचे क्या आएगा बेटा? टू। ये बात किस किस को समझ में आई है? आ गई आपको? अब यहाँ पे वन माइनस कोस टू ओमेगा टी है, तो वन बाई टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है क्या? बिल्कुल कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। तो अब ना क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन को अलग कर लेते हैं। कभी आपके ऐसे आ जाए ना कि फोर माइनस टी अपॉन में टू, तो वी कैन डिफरेंशिएट इट, कि एक बार तो इंटीग्रेशन किसका कर लेते हैं, फोर बाई टू का, और माइनस लगा के इंटीग्रेशन किसका कर लेते हैं, टी बाई टू का। ये समझ आया नहीं आया? आ गया ना? तो यही सेम चीज कर रहे हैं हम यहाँ पे। कहाँ पे कर रहे हैं सेम चीज बताओ मेरे को? यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? वन माइनस कोस टू ओमेगा टी बाई टू का। तो एक बार तो इंटीग्रेशन किसका कर लेते हैं? वन बाई टू का, और फिर इंटीग्रेशन किसका कर लेंगे? कोस टू ओमेगा टी बाय में टू का। समझ आया नहीं आया? अब ध्यान से देखो, जब हम 1 बाई टू का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 1 बाई टू आएगा। अब वो 1 बाई टू क्या है? कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। कॉन्स्टेंट क्वांटिटी कहाँ चली जाएगी? बाहर। वो भी ऐसे नहीं जाएगी, इसमें 1 बाई टू है और इसमें भी क्या है? 1 बाई टू है। 1 बाई टू इज कॉमन क्वांटिटी, सो इट विल गेट आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन पार्ट। इज इट क्लियर और नॉट? सो ये 1 बाई टू मैंने कहाँ लिख दी? बाहर लिख दी। नाउ सी हियर, यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी, इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? वन बाई टू, और यहाँ पे क्या आएगा? वन बाई टू। तो ये वन बाई टू क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? सो डी टी का इंटीग्रेशन बताओ मेरे को क्या होता है? डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी होता है। एक्स का इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा? टी होगा। और कोस टू ओमेगा टी बाई टू का इंटीग्रेशन बताओ, कोस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा? साइन टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा, दैट इज, ये आपने किया हुआ है क्या कि कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन होता है, माइनस साइन नहीं होता है, कितना होता है? साइन होता है। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कोस। उल्टा होता है डिफरेंशिएशन में, ये उल्टा हो जाएगा, इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाएगा। That is cos का इंटीग्रेशन साइन, और 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 2 ओमेगा। समझ आया नहीं आया? अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, एक तो 0 और एक टी। बड़ी टी पुट करेंगे पहले या छोटी? बड़ी टी पुट करेंगे, तो बड़ी टी पुट किया तो टी की जगह क्या आ गया? टी आ गया, और यहाँ पे टी की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल टी आ जाएगा, और कैपिटल टी आपका किसके इक्वल होता है? 2 पाई बाय ओमेगा के इक्वल होता है। तो टी को क्या पुट कर देंगे? 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा? कैंसिल। और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 पाई, और नीचे कितना है? साइन 4 पाई, और नीचे क्या आया? 2 ओमेगा। अब मैंने आपको बताया था साइन एन पाई तो क्या होता है? 0 होता है, तो 4 पाई भी कितना होगा? 0 होगा। 2 ओमेगा कैंसिल कैसे हो जाएगा बेटा? ये ऐसे थोड़ी हो जाएगा कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, 2 तो बच गया ना। ये एंगल है, ये सारा ये एंगल है, ये आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। ये साइन 4 पाई है और नीचे 4 है, तो 4 से 4 काट दिया, दैट इज रॉन्ग। वो एंगल अलग से, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ कि साइन एन पाई कितना होता है?
जीरो होता है, तो यहाँ पे साइन फोर पाई आ रहा है, फोर पाई कितना होगा, जीरो होगा, नीचे क्या आ रहा है, टू पाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, यहाँ पे क्या बच गया टी, तो एवरेज पावर कितनी आई, टी बाई टू। किस किस को समझ में आ गया आपको, बोला करो ना फिर। यहाँ पे ध्यान से देखो अब, अच्छा यहाँ पे एवरेज पावर किसके इक्वल आ रही थी, E नोट I नोट T और साथ में इंटीग्रेशन पार्ट, तो इंटीग्रेशन पार्ट हमने कर लिया गया, लेकिन इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में भी था, क्या मल्टीप्लिकेशन में था, E नोट I नोट बाय में T, तो इंटीग्रेशन तो हमारा कितना आया है, T बाय टू आया है, तो T बाय टू और साथ में क्या था, E नोट I नोट बाय में T, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल, E नोट बाय E नोट इनटू में I नोट। अब ये ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, E नोट I नोट बाय में 2, we can rewrite this, E not upon में root 2 into में I not upon में root 2, reason बताओ मेरे को ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो E not by root 2 है वो आपकी क्या होती है, RMS voltage, क्या होती है, root mean square voltage, और I not by root 2 क्या होती है, IRMS, that is root mean square value of current, ये आपका जो है next lecture का topic है, so that is also a homework, ये भी होमवर्क रहेगा, इसको पढ़ के आना है आपको। तो हम डायरेक्टली एवरेज पावर को किसके इक्वल लिख सकते हैं, आई आर एम एस इंटू में वी आर एम एस, तो हमने ये तो पढ़ा ही हुआ था ना कि पावर किसके इक्वल होती है, वी इंटू आई के इक्वल होती है, तो इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, और एवरेज पावर निकाल रहे हैं तो आर एम एस वोल्टेज इंटू आर एम एस करंट, समझ आया नहीं है, सो हियर द सेम थिंग, After simplifying, we will get E not I not by me 2, that is 1 by 2. अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, V into में I तो लिख लिया, अब मेरे को ये बताओ कि V को I I के अक्रॉस में कैसे लिखेंगे, ओम्स लॉ पढ़ा है ना, V किसके इक्वल होता है, IR, तो V की जगह क्या रख देंगे, IR into में I, तो I I क्या हो जाएगा, I square और साथ में क्या है, R, तो we can rewrite it as I not square into में R, और साथ में क्या है आपके 1 by 2. तो द अबव एक्सप्रेशन शोज द प्योर पावर कंज्यूम्ड इन वन कंप्लीट साइकिल इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 ऑफ आई नोट स्क्वायर आर। आई नोट स्क्वायर आर क्या था, हीट थी, पढ़ा था ना भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो हीट किसके इक्वल आ रही थी, आई स्क्वायर आर के इक्वल आ रही थी, तो हीट की फॉर्म में जो है पावर क्या हो जाती है, डिसिपिएट हो जाती है, समझ गए। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन ऑफ पावर इन एसी सेम इन डीसी अ न्यू टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर करंट। अब एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एसी और डीसी के अंदर सेम एक्सप्रेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, रूट मीन स्क्वायर करंट, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, क्लास ऑफ नेक्स्ट टॉपिक, क्लियर है। रूट मीन स्क्वायर करंट इज वन ऑफ द वेज टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है क्या, रूट मीन स्क्वायर करंट। इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशन ऑफ डीसी पावर इन एसी कंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेशन ऑफ पावर इन डीसी, कि आपके जो एक्सप्रेशन है पावर का एक्सप्रेशन है उसको एसी में कंसिस्टेंट बनाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ पावर इन डीसी को जो है द पीक वैल्यू ऑफ करंट वाज रिप्लेस्ड बाय द आरएमएस वैल्यू, जो आपकी पीक वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, आरएमएस वैल्यू से, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आरएमएस इनटू में आर, क्लियर है, साथ में 1 बाय 2 भी आता है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम इन योर टुडेज क्लास दैट इज रिलेटेड विद द पावर, कि आपको एक लाइट बल्ब दे रखा है जो क्या कर रहा है, जल रहा है एट द रेट ऑफ 100 वोल्ट, और सप्लाई कितने की है, 220 वोल्ट की, तो आपको एक तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बल्ब का, एक पीक वोल्टेज फाइंड आउट करनी है सोर्स की, नॉट ड्रॉप, किसकी फाइंड आउट करनी है, सोर्स, और एक क्या करना है, आरएमएस करंट फाइंड करना है किसका, थ्रू द बल्ब, ये किस किस को समझ में आया है। अब ये कल की क्लास में आपका कंप्लीट होना चाहिए, आ गया समझ में।